और इस बीच एक खबर आगरा से आ रही है, आपको बताते चले कि एक होटल में दरोगा ने वर्दी का रौप दिखाया है। खाना देरी से मिलने पर भड़का दरोगा और बोतल फेंकते हुए दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं होटल मालिक ने डीसीपी वेस्ट आगरा से शिकायत की है। शिकायत के बाद चौकी इंचार्ज लादू खेड़ा पर कार्रवाई की गई है। तो आगरा के एक होटल में दरोगा ने दिखाया वर्दी का रौप, खाना देरी से मिलने पर दरोगा भड़क गया और इस दौरान उसने बोतल फेंकी और बोतल फेंकते हुए दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो होटल में दरोगा ने वर्दी का रौप दिखाते हुए बोतल फेंकी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष गर्ग हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष, होटल में वर्दी का रौप दिखाया है दरोगा ने, वहीं होटल मालिक का ये आरोप है कि अक्सर वो नशे में आता है और खाना फ्री लेकर जाता है। बिल्कुल, यह बता दूं, ये पूरा मामला अगर बात की जाए आगरा के थाना सैया की लादूखड़ा चौकी पर तैनात दरोगा महेश राजपूत का बस है, जहां पर जिस तरीके से वो खाना देरी से आने की वजह से बोतल फेंकते हैं आक्रोश होकर और उसके बाद होटल से खड़े होकर चले जाते हैं। लेकिन वहीं होटल मालिक की बात करूं, जो होटल मालिक है उन्होंने आरोप लगाया है कि आए दिन होटल में शराब पीकर आते हैं और खाना फ्री में ले जाते हैं, खाकर भी जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। तो तमाम ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जिस पर वही मैं बात करूं, जो 36 सेकंड का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दरोगा देखा जा सकता है कि जिस तरीके से दरोगा आक्रोश होकर बोतल फेंकता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं खाकी का जो रौब है वो झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। होटल मालिक से बत्ती बत्ती गालियां देने के भी एलिगेशन है, तमाम तरीके आरोप है जिसमें डीसीपी आगरा, डीसीपी वेस्ट आगरा ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। मौके पर तो विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जी नेहा जी, मनीष, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि आगरा के एक होटल में दरोगा ने वर्दी का रौब दिखाया और खाना देरी से मिलने पर दरोगा भड़क उठा और इस दौरान उसने बोतल फेंकी और बोतल फेंकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।